तो इस ईयर का ये मेरा फर्स्ट वीडियो है और मैं चाहती हूँ कि मैं इस फर्स्ट वीडियो का वेलकम एक अच्छे टॉपिक के साथ करूँ जो हमारे 2023 में काम आने वाला है पूरे ईयर। जी हाँ, मैं बात करने वाली हूँ फैशन डिज़ाइन कॉलेज के बारे में, जिनमें कुछ कॉलेज आएंगे और कुछ इंस्टीट्यूशन आएंगे और कौन सा दोनों में बेस्ट है वो आप डिसाइड करेंगे, क्योंकि मैं सिर्फ आपको कॉलेज सजेस्ट करूँगी बट आपको अपना कॉलेज खुद डिसाइड करना है अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन एंड नीड। अगर इंडिया में डिज़ाइन कॉलेज की बात हो और निफ्ट INID जैसे कॉलेज को भूल जाया जाए, ना मेंशन किया जाए, तो सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ी होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा टॉप पे अगर आप लिस्ट करोगे तो निफ्ट एंड INID ही होता है। थर्ड नंबर पे मैं ज़्यादा तक यही देखती हूँ, अगर मैं रिसर्च करती हूँ, लोगों से पूछती हूँ तो बेस्ट क्या है, बेटर क्या है, तो पर्ल एकेडमी को लोग ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। उसके बाद जितने भी कॉलेज आते हैं वो एवरेज हो सकते हैं और मे भी उसके बाद आएंगे। तो बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जिसका मैं लिस्ट बनाकर लाई हूँ। निफ्ट के बहुत सारे ऐसे ब्रांचेज हैं जो बहुत सारे हैं, तो मैं एक भी ब्रांच के बारे में डिस्कस नहीं करूँगी, क्योंकि बहुत ऐसे एस्पिरेंट्स को पहले से ही पता होगा कि कौन सा ब्रांच कहाँ है। इनकेस अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें मेंशन कर दूंगी। तो सबसे पहला जो कॉलेज होगा वो निफ्ट होगा, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत लोगों को इसके बारे में पता है। अगर पर्पजली डिज़ाइन सीखना है तो NID बेस्ट है, क्योंकि NID डिज़ाइन के लिए ही बना है, ना कि फैशन डिज़ाइन के लिए। अगर आप डिज़ाइनर बनना चाहते हैं ना कि फैशन, तो NID बेस्ट है, क्योंकि आपको इसमें बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। सारे कॉलेज की वेबसाइट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, क्योंकि सारे वेबसाइट अवेलेबल होंगे और वहाँ जाके आप चेकआउट कर सकते हो। उसके एग्ज़ाम से रिलेटेड या कोर्स से रिलेटेड या स्कॉलरशिप से रिलेटेड हर चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक पे, आपको वेबसाइट पे जाके ही डायरेक्टली आप कंफर्म कर सकते हैं, इंक्वायर कर सकते हैं। अगर आप खुद से इंक्वायर करेंगे तो आपके लिए आपका फ्यूचर बेटर होगा। अगर आप किसी के कहने पे या किसी सजेशन से काम करोगे तो शायद आपको फ्यूचर में रिग्रेट हो सकता है। तो मैं प्रेफरेंस करूँगी टॉप 3 कॉलेज के बारे में, क्योंकि जो टॉप 3 है मेरे हिसाब से एंड बहुत सारे स्टडी के बाद मुझे ये समझ में आया कि इंडिया में ये टॉप 3 है जिसको लोग ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। लेकिन अगर मैं और जो कॉलेज के बारे में लिस्ट करूँगी, ज़रूरी नहीं है कि वो टॉप नहीं है तो आपके लिए वो वैल्यूबल डिग्री नहीं देगा, ऐसा नहीं है। वहाँ पर आपको भी सेम चीज़ें मिलेंगी, लेकिन आपको एक प्रेफरेंस ज़्यादा अगर दिया जाए तो यस, इस कॉलेज में ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस लाइक पर्ल अकेडमी, उसके भी बहुत सारे ब्रांचेज है अलग अलग सिटीज़ में, अलग अलग स्टेट में। नेक्स्ट है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो पंजाब में है, वहाँ भी आपको डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेशन या फिर आपको मास्टरी कोर्स मिलते हैं, उसकी वेबसाइट पे भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट है सिम्बोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे, पुणे में ये कॉलेज है और इसके रैंक बहुत अच्छे हैं, मैंने देखा, काफ़ी लोगों से मैंने बात भी किया है, इसका बहुत अच्छा प्लेसमेंट भी रहा है, तो वहाँ की बहुत अच्छी हिस्ट्री भी रही है, बहुत सारे ऐसे न्यूज़ थे, बहुत सारे आर्टिकल्स मैंने देखे हैं। अगर ये सारे भी कॉलेज आपके लिए बजट फ्रेंडली नहीं है तो और भी बहुत सारे लिस्ट है जो मैं यहाँ पर मैंशन कर दूँगी और इसके वेबसाइट भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मैं अपनी बात करूं तो यस, मैं भी GD इंस्टीट्यूट से, मैंने भी अपनी कंप्लीट की है स्टडी, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझसे पूछते हैं कि आप बताओ GD इंस्टीट्यूट के बारे में, उसका एक्सपीरियंस बताओ, तो मैंने आज तक किसी को नहीं बताया, जस्ट बिकॉज ऑफ मैं अपने एक्सपीरियंस पे लोगों को प्रोवाइड नहीं करूँगी वो चीज़ें, वो एक्सपीरियंस, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस डिफरेंट रहा है उस कॉलेज को लेकर और मेरे बहुत सारे पर्सनल इशूज़ भी रहे हैं जो मैं डिक्लेयर नहीं कर सकती हूँ यहाँ इस वीडियो में। बट मैं आप लोग को यही बोलूँगी कि यस, बहुत सारे ऐसे वहाँ के ब्रांचेज है, कोई भी कॉलेज तब अच्छा होता है जब उसका ब्रांच अच्छा होता है। सबके जो निफ्ट है, निफ्ट के बहुत सारे ऐसे ब्रांचेज है, NID के बहुत सारे ऐसे ब्रांचेज है, पर्ल अकेडमी के बहुत सारे ऐसे ब्रांचेज है जो डिफरेंट है और उसकी जो कह सकते हैं फुल एनवायरनमेंट जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। कुछ बताऊँ तो यस, अक्सर ये फ़र्क पड़ जाता है जगह का, ब्रांच का, क्योंकि अलग अलग ब्रांच के जो चीज़ें वहाँ प्रोवाइड होती हैं समटाइम वहाँ नहीं होती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। सो मैं यही रिकमेंड करूँगी, कोई भी ब्रांच हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन या कॉलेज हो, अगर उसका ब्रांच अच्छा है तो आपकी आपको हर चीज़ वहाँ प्रोवाइड होगा। इनकेस अगर आपका ब्रांच बेटर नहीं है, इट्स ओके, वो अगर आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन या कॉलेज से जुड़े हो तो यस, आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो आप एक्सपेक्ट करते हो अगर एडमिशन लेते हो।
ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशन की बात करूँ तो यस, दिल्ली एंड मुंबई उसका सबसे बेस्ट ब्रांच रहा है। INFD बहुत सारे इसमें इश्यूज में अभी पड़ा है, बहुत सारे इसके न्यूज भी मैंने देखे हैं कि बहुत सारे ऐसे ब्रांचेस जो थे वो उनके सर्टिफिकेट को रोक दिया गया, उनकी डिग्री को रोक दिया गया। तो ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, लेकिन INFD बहुत अच्छी चीज़ों से जुड़ा है, बहुत अच्छे लोगों से कोलैबोरेट भी किया, जैसे लैक्मे फैशन वीक में रिसेंटली उसकी वीडियो भी मैंने बनाई थी। तो वो भी बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट और कॉलेज कह सकती हूँ मैं, रिकमेंड करूँगी कि आप उन सब चीज़ों से भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि उनकी जो फीस स्ट्रक्चर है मे बी वो सबको अफोर्ड कर सकता है। बहुत सारे ऐसे पर्सनल भी टिप्स देना चाहूँगी कि आप सेल्फ इंक्वायर करो, आप हो, मैं तो आपको यही बोलूँगी कि आप जाके विज़िट करो। अगर आप मुझसे बोलोगे पर्सनली क्या एक्सपीरियंस है, तो मैं बिल्कुल नहीं जानती हूँ, क्योंकि मैंने इतनी स्टडी नहीं की है इनके बारे में और मेरा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस भी नहीं रहा है। तो एक जेन्युइन एक्सपीरियंस तब आपको मिलेगा जब आप जाके डायरेक्टली किसी से भी वहाँ जाके डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करो या विज़िट करोगे, आप पास्ट स्टूडेंट से जाके पूछोगे, उनसे पूछोगे उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है, तो शायद आपको रियल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बट अगर आप किसी की वजह से या किसी के बोलने पे करोगे तो आई गेस मैं आपको नहीं रिकमेंड करूँगी या मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्लेसमेंट ना जॉब कॉलेज के बेस पे मिलता है। अगर आप इंडस्ट्री में काम करना चाहते हो तो अगर आप किसी अच्छे एंड रेपुटेटेड कॉलेज से हो तो आपको जॉब प्लेसमेंट बहुत इजीली मिल जाता है। बहुत फ़र्क पड़ता है अगर आप सिर्फ डिज़ाइनर बनना चाहते हो, ये नहीं चाहते हो कि कॉलेज में आप फॉर्मल एजुकेशन लो, तो यस आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप फॉर्मल एजुकेशन लो, बट आप सच में काम करना चाहते हो तो आप एक अच्छे कॉलेज से ही करो, अगर नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है इतना इन्वेस्ट करने का। पर्सनली तो मैं यही बोलूँगी कि मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे और ऐसी चीज़ें प्रोवाइड हो। इंडिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं प्रोवाइडेड होती है इस फील्ड में, तो मैं तो विश करती हूँ कि आने वाले फ्यूचर में बहुत सारे ऐसे कॉलेज हो तो हर कोई उसको आराम से अफोर्ड कर पाए और वो कॉलेज अच्छा सा प्लेसमेंट भी दे जो अदर कॉलेज देता है, उतना ज़्यादा उसका भी वैल्यू हो जो अदर कॉलेज का होता है। ये मैं होप करूँगी और विश करूँगी। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड भी करना चाहती हूँ, क्योंकि आई गेस ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए इनफ है। इनकेस अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे या फिर कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग।